आईपीएल में 20 करोड़ का मनी प्राइज जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है एक आम इंसान के लिए, लेकिन शाहरुख खान और नीता अंबानी जैसे लोगों के लिए 20 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं है। और आईपीएल में एक प्लेयर्स की कीमत होती है 16 करोड़ और 17 करोड़ के लगभग, ऐसे में इतने सारे पैसे कहाँ से अरेंज किए जाते हैं। पिछले साल हॉटस्टार ने आईपीएल को पे किए थे 10 सेकंड के वीडियो को दिखाने के लिए 10 से 15 लाख, उस हिसाब से 2023 में कितना होगा? इन्हीं सारे सवाल के जवाब आज हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले वो आपको नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे जल्दी जल्दी दबा दीजिए और उसके साथ एक लाइक बटन भी जरूर दबाना। तो चलिए शुरू करते हैं अब इस वीडियो को बिना समय गवाए। जैसे कि आईपीएल के सबसे सस्ते टीम की ब्रांड वैल्यू है 250 करोड़, और आईपीएल के सबसे महंगे टीम चेन्नई सुपर किंग जिसकी ब्रांड वैल्यू है 2700 करोड़, और ऐसे में जीतने वाले टीम को सिर्फ मिलते हैं 20 करोड़ इनाम जो कि चाय कम पानी ज्यादा है। रही बात की आईपीएल हिस्ट्री की, तो आईपीएल शुरू होने से एक साल पहले आईसीएल शुरू हुई थी और इस आईसीएल को एक प्राइवेट कंपनी ने शुरू किया था, जी इंटरप्राइजेस, और ये एक प्राइवेट कंपनी है। आज आप टीवी में जिस तरह के भी चैनल देखते हैं जिस चैनल के सामने जी आते हैं जैसे कि जी न्यूज जी टीवी के जी नाम के सभी चैनल को जी इंटरप्राइजेस ऑपरेट करते हैं। और आईसीएल भी बिल्कुल आईपीएल की तरह ही था, आईसीएल में भी प्लेयर्स को खरीदा जाता था और हमारे भारत के मशहूर शहर के टीम यहाँ पर एंट्री करते थे और इन टीमों के प्लेयर को भी ऑक्शन में खरीदा जाता था। लेकिन आईसीएल को बीसीसीआई ने रिकॉग्नाइज नहीं किया और उल्टा बीसीसीआई आईसीएल के ऊपर नाराज हो गए, क्योंकि आईसीएल एक प्राइवेट कंपनी है और ये बीसीसीआई से किसी भी तरह के कनेक्शन नहीं रखता था। और फिर बीसीसीआई ने आईपीएल खेलने वाले प्लेयर्स के ऊपर बैन लगा दिया, यानी जो भी प्लेयर आईसीएल खेलेगा उसे अदर्स टूर्नामेंट के लिए लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ उन्हीं प्लेयर्स की सैलरी को भी बढ़ा दिया गया। और फिर इसके एक साल बाद 13 सितंबर 2007 में बीसीसीआई ने आईपीएल की स्थापना की, और तब के बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट ललित मोदी ने कहा कि उन्होंने आईसीएल से कोई इंस्पिरेशन नहीं ली और उन्हें यह आइडिया पहले से ही था। लेकिन बीसीसीआई भी जी इंटरप्राइजेस की तरह ही एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन बीसीसीआई को आईसीसी रिकॉग्नाइज करता है, इस वजह से आज बीसीसीआई इस पोजीशन पे है। और रही बात कि आईपीएल इतने सारे पैसे कैसे कमाते हैं और कहां से कमाता है, रेवेन्यू मॉडल ऑफ आईपीएल का 3 मेन हिस्सा है, जैसे कि एक स्पॉन्सर, 2 ब्रॉडकास्टर, 3 आईपीएल टीम्स। जैसे कि एक टाइम पे आईपीएल को स्पॉन्सर किया था डीएलएफ ने, इस वजह से आईपीएल के नाम के पहले डीएलएफ लिखा आता था, यानी डीएलएफ आईपीएल। और शुरुआती 5 सालों में टोटल डीएलएफ ने आईपीएल को पे किए 200 करोड़, यानी एक साल का 40 करोड़। और अभी के टाइम पे डीएलएफ हटके वीवो स्पॉन्सर करता है आईपीएल को, पेप्सी स्पॉन्सर करता है आईपीएल को, और अभी के टाइम पे छोटे मोटे स्पॉन्सर भी बहुत है जैसे कि सीएट स्ट्रेटेजिक टाइम, सीएट टायर के कंपनी ने भी आईपीएल को स्पॉन्सर किया और उन्होंने पहली बार 30 करोड़ पे किए थे एक सीजन के लिए। और इस तरह के बहुत सारे छोटे मोटे स्पॉन्सर्स भी है। और दूसरा होता है ब्रॉडकास्टर्स, यानी आईपीएल गेम प्ले को तो किसी न किसी टीवी चैनल पे दिखाना ही होगा, जैसे कि 2008 से लेकर 2017 तक सोनी के पास था ये ऑथोराइज, और सोनी अपने चैनल पे आईपीएल को दिखाता था। और 2008 से 2017 तक सोनी ने आईपीएल को यानी बीसीसीआई को पे किए 8200 करोड़। और अभी के टाइम पे हॉटस्टार अपने चैनल पे चलाता है आईपीएल को, और आईपीएल अपने गेम प्ले को हॉटस्टार पे दिखाने के लिए चार्ज करता है सेकंड के हिसाब से, और हॉटस्टार पे करता है 10 सेकंड के लिए 14 से 15 लाख, और 2023 में ये बढ़ के हो गया 16 से 18 लाख, यानी पूरे मैच को चलाने के लिए हॉटस्टार को कितने सारे रकम पे करने पड़ते हैं। अब बात करते हैं तीसरी, यानी आईपीएल टीम्स। टीम मैनेजमेंट के लिए और टीमों को खरीदने के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बहुत पैसा लगाते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि आईपीएल का विनिंग प्राइज है 20 करोड़, और ऐसे में एक टीम के प्लेयर्स को ही खरीदना पड़ता है करोड़ों में, जैसे कि 13 करोड़, 14 करोड़, 15 करोड़ में। और फिर प्लेयर्स का अलग से खर्चा है, ट्रांसपोर्टर का, होटल का, खाने का, रहने का। और जीतने वाले टीम को कितना मिलता है विनिंग प्राइज, सिर्फ 20 करोड़। लेकिन इन टीमों को जो बड़े बड़े अमीर लोग खरीदते हैं वो लोग असली पैसा कमाते हैं स्पॉन्सर्स के माध्यम से, जैसे कि आप जानते हैं कि आईपीएल प्लेयर्स के जर्सी पे और पैंट पे टोटल 10 ब्रांड का लोगो लगा होता है, और उन 10 लोगों के ब्रांड्स के जो मालिक होते हैं वो करोड़ों में पे करते हैं टीम के मालिक को, जैसे कि हो गया केकेआर का शाहरुख खान और मुंबई इंडियंस का नीता अंबानी। और एक सीजन में एक आईपीएल टीम का खर्चा होता है 200 करोड़ से भी ज्यादा, और एंड में कमाते हैं ब्रांड स्पॉन्सर से 2000 करोड़ से ज्यादा। और विनिंग प्राइस का जो 20 करोड़ रुपए होते हैं उस 20 करोड़ रुपए में से आधे से ज्यादा पैसा जीते हुए टीम के प्लेयर्स को ही बांट दिए जाते हैं, यानी आप समझ सकते हो कि जो 20 करोड़ रुपए होते हैं वो एक आम इंसान के लिए बहुत होता है, लेकिन आईपीएल में इस 20 करोड़ रुपए की कोई अहमियत नहीं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस तरह के बहुत सारे और भी अमेजिंग
अमेजिंग इन्फॉर्मेशन वीडियोस है, उस वीडियो को भी आप एक बार जरूर देखना। और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ चुके होंगे कि आईपीएल में इतने सारे पैसे आते कहाँ से है। और वीडियो के शुरू में मैंने आपसे एक बार कहा था कि नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दो, लेकिन आपने अभी तक नहीं दबाया। दबा दो यार, इसमें इतना सामाना क्या है। और इसके साथ एक लाइक बटन भी जरूर दबाना और बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading.